अरे बिल्लू, बेटा ऑफिस जा रहे थे। अरे जी अम्मी, ऑफिस जा रहा हूँ। तबीयत कैसी है अब? ठीक हो, खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में। वो बिल्लू, मोहसिन का क्या बना बेटा? कब आएगा मेरा बच्चा? और वो लोग क्या कहते हैं? कुछ तो कहा होगा। अमी, भाई ने कितनी रिश्वत ली है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनके ऑफिस वाले कहते हैं कि कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का जुर्माना होगा उनको। क्या 70-80 लाख? अरे कहाँ से देगा मेरा बच्चा इतने पैसे? वो तो नहीं दे पाएगा बेटा। आपको पता भाई का जो नया मकान है वो कितना महंगा? अरे बिल्लू, वो मकान तो जो हमारा खानदानी घर बिका था ना, उसके हिस्से से खरीदा है उसने। नहीं अम्मी, उस हिस्से से 3 गुना ज्यादा महंगा है वो मकान। फिर अब क्या होगा? अब भाभी को वो मकान बेचना पड़ेगा। एक वक्त इज्जत रही, जिल्लत अलग कमाई दुनिया में। उसने जरा बराबर भी नहीं सोचा कि ना तो यहां पना मिलेगी और ना ही आखरत में। ये सब कुछ ना उसने बीवी के कहने में आकर किया। मासूम था मेरा बच्चा, अब उसे देखो, खुद तो यहां पे ऐश कर रही है और खुद वहां पे पड़ा जेल में जूते खा रहा है। भाभी के लालच और हवस ने सब बर्बाद कर दिया और उसकी सजा मोहसिन भाई को भी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। हम सब अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं मोहसिन भाई को। बस मजम्मत करने का तरीका बदल लिया। हम मोहसिन भाई के साथ साथ हम लोगों की भी तो बदनामी हो रही है। अल्लाह खैर करे। चलें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। That's a joke.